यही तक था सफर तुम्हारा, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी हम याद आए तो चले तुम आना, तुम भी पुणे आ जाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये है मुंबई में सेकेंड डे, जो कि सैटरडे है, और अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम रेडी हो गए हैं। अनाया जोया से बात हो गई है, जोया का पेपर हिंदी का बहुत अच्छा गया, और अब जो है हम निकले हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत देखते हैं, क्योंकि पिछली बार हमको टाइम नहीं मिला था शॉपिंग के लिए, तो इस बार अभी हम जा रहे हैं वहीं पर, मोहम्मद अली रोड ही जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ ईद के लिए शॉपिंग करेंगे, देखते हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए, मम्मी उन लोगों के लिए, मम्मी का भी बर्थडे तो उनके लिए भी कुछ लेना था। तो देखते हैं जो भी है, आप लोगों से वहाँ पर चल के शेयर करते हैं। तो आप लोग भी चलिए शोहर जी। वालेकुम सलाम। तो शौहर जी लेके जा रहे हैं हमको शॉपिंग पे। पिछली बार जेब खाली नहीं हो गई ना, आज जेब खाली कर दी, रुको आपकी। ओके, तो अब जो है, अब हमने रूम क्लीनिंग के लिए बुलाया है, तो वो लोग रूम क्लीन करेंगे, और बस अभी हम लोग निकलते हैं। पहले कुछ खाएंगे, लंच करेंगे, क्या उधर जाके करेंगे, उधर जाके करेंगे, उधर जाके लंच करेंगे। दो ढाई बज रहे अब तो, ढाई बज रहे, तो ओके चलो देखते वहां पे जाके करते। और ये रहा चंपा, जो कि सूख गया है, बट कार में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके ना। कल इतनी ज़्यादा धूप थी, सॉरी, कल इतनी ज़्यादा बारिश थी, और आज इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी है। यहाँ पर बारिश के चप्पलों की बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन थी और बहुत ही अफोर्डेबल, तो मैंने यहाँ से चप्पलें ली और घर वालों के लिए भी ले ली। अनाया को देखते देखते खाया जा रहा है। आपका स्क्रीन का दिखाओ ना फोटो अनाया का। जब से इन्होंने फोन लिया है ना, तब से उनका वॉलपेपर यही है, चेंज ही नहीं हुआ है। प्यारा बच्चा है, कितनी प्यारी सी है ना, बहुत अच्छा फोटो आया था, कितनी गब्बू गब्बू है। तो ऐसे रहता बच्ची का चेहरा, देखो उनको फिर ऐसा लगता सुकून एकदम, ये लगता फिर कितना भी इंसान टेंशन में रहो या कुछ भी पड़े लगता नहीं है ऐसा।
पास में आ चुकी जेब, सच में मैं खाली करने वाली हूँ। हालत देख अगर नहीं आते तो ये मैडम हमको अनफॉलो कर देती, ब्लॉक कर देती। बहुत डेंजर धमकियां दी, आना ही पड़ा। और टाइमिंग देख सकते हो, 12 बजे पहुंचे हम। मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया, माशाल्लाह खांसी लग रही है। मेरी हालत देखो, बैटरी डाउन हो गई। मैंने ये भी नहीं, हाँ तो देख लीजिए कैसी हालत हो गई है। कैसे नहीं आती, तुम ब्लॉक कर देती मुझे, फिर मेरे फॉलोवर्स कैसे बढ़ते, अरे मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाते। देखो, ये देखो जैसे कि मैं इसकी मार्केटिंग एजेंट हूँ। और ये है शाया अनकम, यार इसकी बेटी हमेशा सोती रहती है यार, क्यों सोती है। इमरान भाई, ये दोनों हमारे लिए अब तक भूखे बैठे हैं, बट क्या करें, बॉम्बे में इतनी ट्रैफिक है। हम लोग 5 बजे शालीमार में लंच किए, पता है। सो मच, इतना अच्छा डिनर, यमी लग रहा है। दिखने में इतना यमी है तो सोचो खाने में कितना यमी होगा। चतुर हो आप, कैसे लग रहा है शौची? अच्छा है ना। तो आज गुशवा ने, ये मैंने नहीं बनाया है, नहीं बनाया, मैंने यही बनाया है। अच्छा तो इंट्रोड्यूस तो करो, तुमने क्या क्या बनाया और क्या मंगाया है वो भी बताओ। स्टार्टर हमने बाहर से मंगाया है, काली मिरी कबाब एंड प्रॉन्स चिली, और घर में मैंने बनाया है कोरमा एंड राइस। यस, क्योंकि रात में हम लोग राइस खाते हैं। कल मुझे भूख लग गई थी रात में बहुत, और कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए रात में, नहीं सब बंद हो गया था, तो इसलिए मैं, अच्छा हुआ अभी 12 बजे खाना खा रही हूँ। अच्छा हाँ, बस अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमारा डिनर हो चुका है, और डेजर्ट में हम पी रहे हैं लस्सी। और सच बताऊँ तो बुशरा ने जो खाना बनाया ना, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। बाहर का अच्छा लगा ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन घर का जो टेस्ट है ना, और सच में ये इसकी रेसिपी फॉलो कीजिए, सच में बहुत अमेजिंग खाना बनाती है। और रेसिपी दो इसका भी, दो ग्रेवी का, आप मांगो इससे ग्रेवी का रेसिपी, बहुत अच्छा बनाई। बस चिकन जो भी है बना लिया, प्यार से मेन इंग्रेडिएंट होता है। हाँ ये भी होता है, प्यार से खिलाना होना ऑटोमेटिकली वो चीज़ अच्छी बन जाती है। एग्जैक्टली, तो अब हम लस्सी एंजॉय करते हैं। ये दोनों ऑलरेडी लस्सी एंजॉय कर रहे हैं, आपने पी रहे हो लस्सी, आपने पी रहे क्यों नहीं पीते आप? ओके, तो हम लोग लस्सी एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। सो बुशरा, हम चलेंगे अब, यही तक था सफर तुम्हारा, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी हम याद आए तो चले आना, तुम भी पुणे आ जाना। आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। चलो वेलकम, थैंक यू सो मच तुम्हारा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा डिनर था, और हम लोग को भी बहुत मजा आया आपसे मिलकर, बहुत खुशी हो गई। यहाँ पे आओ यार, यहाँ पे सही अच्छा है, सब सडनली गोरे हो गए। वही तो, वो लाइट का भी वो रहता है ना इफेक्ट। ओके, तो शौर जी वैसे भी बहुत थक चुके हैं अब, जो है अब चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, फिर कल जाना है एग्जीबिशन में, और फिर वहाँ से घर, फाइनली होम। बच्चों की अब बहुत याद है, अब क्या याद आती रहती है, ध्यान उधर रहता है, मैं इधर हूँ ध्यान उधर है,
चलो बच्चों का ध्यान रखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम भी यू आल्सो टेक केयर इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे ओके अल्लाह हाफिज सो फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं और अब जो है 2 बज रहे हैं 2 रात के 2 बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और अब जो है ये व्लॉग एंड करती हूँ आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले नेक्स्ट व्लॉग आएगा एग्जीबिशन का और आज जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं सारी चीज़ें घर जाकर बताऊँगी बिकॉज हमने ऊपर लेकर ही नहीं आए हमने सारी चीज़ें जो भी लेकर आए वो कार में ही रखा वो फिर ऊपर लेकर आओ फिर वापस सामान नीचे लेकर जाओ वो बहुत परेशानी हो जाएगी इसलिए मैंने शौर जी से कहा कि कपड़े तो है तो डिक्की में रहने दो बाद में घर जाकर फिर आप लोगों को दिखाती हूँ सो बस ये ब्लॉग एंड करती हूँ स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़